आप लोग, तो आज हम बात करेंगे Xiaomi के बारे में। Xiaomi ने अभी अभी नया मॉडल लॉन्च किया है, Xiaomi Note 9। तो आज हम करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया हुआ है सीहोर में रवि मोबाइल शोरूम से। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। मैं हूँ राज जाटव, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बॉक्स ब्रांडिंग के बारे में जान लेते हैं। बॉक्स ब्रांडिंग में सब ऊपर ही फ़ोन का मोनो दिया हुआ है पूरा साफ साफ, और रेडमी नोट 9 मेंशन किया हुआ है। डिस्प्ले के अंदर पंच होल कैमरा भी बताया हुआ है। राइट हैंड साइड देखेंगे तो रेडमी नोट 9 की ब्रांडिंग है और लेफ्ट हैंड साइड भी ब्रांडिंग है। ऊपर साइड देखेंगे तो इसमें प्राइस 18,999, लेकिन ये इसकी रियल प्राइस नहीं है। रियल प्राइस इसकी जो है मैं वीडियो में आखिरी में आपको बताता हूँ। नीचे साइड कुछ नहीं है, पीछे साइड कुछ डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी क्वालिटी, प्रोसेसर कैमरा क्वालिटी वगैरह में बताया है। और ये जो वेरिएंट है वो दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 6128 और 4/64। 6128 हमारे पास अवेलेबल है, 4/64 भी सेम ही आता है। तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, बॉक्स के अंदर एक मिनी बॉक्स निकला है। इसके अंदर देख लेते हैं कंपनी ने क्या दिया है हमें। इसके अंदर एक सिलिकॉन कवर दिया हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ब्लैक फिनिश में है, और यूज़र मेनू गाइड वगैरह दी हुई है। इसके अंदर सिम इंजेक्टर टूल भी लगा हुआ है। बाकी हम और अंदर खोलकर देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा हमारा फ़ोन, और अंदर देखा जाए तो एक 22.5 वॉट का चार्जर है, और साथ ही में सी टाइप डाटा केबल हमें दी हुई है जिसकी लेंथ बहुत ही बढ़िया है। तो चार्जर जो है हमारे पास 22.5 वॉट का चार्जर है, और फ़ोन की जो बैटरी है वो 5020 mAh बैटरी है। तो चार्जर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा बैटरी चार्ज करने में। एक घंटे के अंदर हम फ़ोन को फुल चार्ज करके फिर से यूज़ कर पाएंगे। बॉडी जो देख लेते हैं हम, फ़ोन की बॉडी जो है प्लास्टिक बॉडी दी हुई है जो कि ग्लास फिनिश में है पूरी, और फ़ोन की पकड़ जो थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा है फ़ोन, तो कि पकड़ इसकी सही बन नहीं पा रही है। और फ़ोन का जो वेट है वो 200 ग्राम है, तो थोड़ा वेटेड फ़ोन है। राइट हैंड साइड देखेंगे हम तो वॉल्यूम की दी हुई है, उसी के नीचे ऑन ऑफ की दी हुई है। ऊपर साइड देखेंगे हम तो ये जो है रिमोट सेंसर है और सेकेंडरी माइक दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम तो दोनों सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड हम एक साथ लगा सकते हैं इसमें। और नीचे साइड है 3.5 mm का हेडफोन जैक, फर्स्ट माइक, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट और एक स्पीकर की जगह दी हुई है। हमें 6.5 inches की लार्जेस्ट डिस्प्ले के साथ मिलता है पंच होल कैमरे के साथ में। और जो डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है इसकी, सुपर FHD प्लस सुपर अमोल्ड डिस्प्ले दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कलर हमें देती है, जो कि ब्राइटनेस भी फ़ोन की बहुत ही शानदार है। हमें गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ मिलती है, और डिस्प्ले का टच बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है। उनके कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट में जो कैमरा है फ़ोन का वो हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल, और बैक जो कैमरा है वो हमें 48 मेगापिक्सल का मिलता है। बैक कैमरे में जो है 4 कैमरे दिए हुए हैं, 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा है, और एक और 2 मेगापिक्सल का टिप सेंसर कैमरा है, और इसी के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर है। हमें कैमरा क्वालिटी ज़रा चेक कर लेते हैं। मैंने फ़ोटो खींचा, ये फ्रंट कैमरे के फ़ोटो हैं। फ्रंट कैमरे के में फ़ोटो में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह नहीं मिल पा रही है हमें अच्छे से फ्रंट कैमरे में। और बैक कैमरे के फ़ोटो देख लेते हैं हम, बैक कैमरे के फ़ोटो कैसे हैं। ये बैक कैमरे के फ़ोटो हैं रियर कैमरे के, ये जो है 48 मेगापिक्सल कैमरे से लिए हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा जूमिंग हो जाती है, और ये बैक कैमरे का नॉर्मल मोड से फ़ोटो खींचा हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जूमिंग नहीं है, लेकिन डिटेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एंड्रॉयड वर्जन की, और इसके साथ साथ प्रोसेसर की। एंड्रॉयड वर्जन जो फ़ोन का है वो हमें मिलता है 1.0, यानी कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट 10 का एंड्रॉयड वर्जन है। और फ़ोन का जो प्रोसेसर है 2.0 GHz ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, हीलियो G85 मीडिया टेक से ऑपरेट होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमें गेमिंग वगैरह में भी ये फ़ायदा देगा, गेमिंग वगैरह भी हम अच्छे से खेल पाएंगे। फ़ोन जो है हमें 2 वेरिएंट में अवेलेबल होता है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। कंपनी ने इसका जो रेट रखा हुआ है 4GB 64GB का रेट रखा हुआ है 11,999 रुपये, और 6 128 का रेट रखा हुआ है 14,999 रुपये। वेरियंट हमारे पास 6GB 128GB में, इसकी स्टोरेज देख लेते हैं हम। 128GB स्टोरेज में हमारे पास 110GB अवेलेबल है, बाकी सिस्टम ऑपरेटिंग में चली गई है सारी।
हालों पर देखा जाए तो 464 का वेरिएंट जो है 12,000 रुपये का, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो कि फ़ोन का जो प्रीमियम लुक है और 12,000 रुपये में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 6 GB 128 GB 15,000 रुपये वो थोड़ा कॉस्टली लगता है हमें। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप बताएं कि आपको फ़ोन कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।